एक शहर में रमेश अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रिंकी के साथ रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक रमेश को एक कॉल आता है। हाँ मोहन, और बताओ कैसे हो? क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं होता। चलो तुम भी अपना ख्याल रखना। अजी क्या हुआ? क्या भूत प्रेत की बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मोहन बता रहा था एक चुड़ैल शहर में घूम रही है जो बच्चों को उठा के ले जाती है। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, सारी अफवाहें होती हैं। क्या बात कर रहे हो चुड़ैल? मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है। अरे कुछ नहीं होता भूत प्रेत, सब बेकार की बातें हैं। पिताजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगी? अरे कुछ नहीं होता भूत प्रेत, कितनी बार समझाऊं। चलो रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। उसके बाद सब गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर अचानक से रात को कुछ आवाजें आने लगती हैं। रिंकी, रिंकी बेटा, उठो उठो रिंकी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। देखो बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे पास ढेर सारे खिलौने हैं तुम्हारे लिए। मेरे साथ चलो बेटा, मैं तुम्हें सब दूंगी, अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। चलो बेटा। ये सुनकर रिंकी चुड़ैल के साथ चली जाती है। अगले दिन सुबह जब सुनीता उठती है तो देखती है वह रिंकी नहीं है। रिंकी, 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 कहाँ हो तुम बेटा? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों रिंकी को आवाजें लगा रही हो? देखो ना, मुझे पता नहीं कहाँ है, कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी, मैं अभी बाहर देख के आता हूँ। यह कहकर रमेश रिंकी को ढूंढने बाहर जाते हैं। रिंकी कहीं नहीं मिलती है और निराश होकर रमेश वापस आ जाता है। रिंकी तो कहीं नहीं मिल रही है, सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो शक है जो आपने चुड़ैल की बात बताई थी वो कहीं सच ना हो। तुम रो मत, मैं एक अंतर्यामी तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। यह कहकर रमेश बाबा से मिलने निकल जाता। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मेरी मदद करो, मेरी प्यारी बेटी नहीं मिल रही है। मुझे शक है कि कहीं कोई चुड़ैल मेरी बेटी को ना ले गई। आजकल ऐसी खबरें भी बहुत आ रही हैं। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे घर चलना होगा, मैं वहाँ जाकर ही बता पाऊंगा कि वहाँ किसी आत्मा का साया था या नहीं। वहीं चुड़ैल रिंकी को एक घर में ले जाकर पहुँचती देती है और रमेश बाबा को अपने घर ले जाता है। चिंता मत करो बेटी। रमेश तुमने सही कहा था, मुझे आशंका है यहाँ किसी आत्मा का साया है। फिर बाबा बैठ के कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर बाबा रमेश से बोलते हैं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अब रिंकी को लेकर ही आऊँगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ अनुमान लगाते हुए वह वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ रिंकी को उस चुड़ैल ने कैद करके रखा होता है। वहाँ रिंकी बैठी हुई होती है। आप कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? बेटा डरो मत, मैं तुम्हें इस चुड़ैल के चुंगल से बचाने आया हूँ। वैसे वो चुड़ैल है कहाँ? मुझे लगता है बाबा वो और बच्चों को लेने गई है। इसके बाद बाबा अपना तिलस्मी चाकू निकालते हैं। उस चाकू में जादुई ताकतें हैं और फिर उस चाकू के साथ कुछ क्रियाएं करते हैं। कौन है जो मेरे इलाके में आया है?
लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। इसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और जीत बाबा की होती है। चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और आखिरकार जीत अच्छाई की होती है। और फिर बाबा रिंकी को उसके घर ले जाते हैं और उसके माँ बाप को सौंप देते हैं। माँ बाप रिंकी को देख के बहुत खुश होते हैं। रिंकी रिंकी बेटा रिंकी। और इस तरह कहानी का सुखद अंत होता है। रिंकी उसके माँ बाप को मिल जाती है।